हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जवान मूवी के बारे में, जिसके आने में अभी लगभग 5 महीने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको इस तरीके के एंटरटेनमेंट से जुड़े वीडियोस देखने को मिलते रहे। शाहरुख खान की मूवी पठान रिलीज हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर भी हो चुकी है। और शाहरुख खान की इस साल आने वाली दूसरी मूवी जवान करीब 5 महीने के बाद रिलीज होगी। लेकिन उसका क्रेज अभी से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पठान मूवी तो बस एक ट्रेलर थी, असली मूवी तो हमें जवान में देखने को मिलेगा। मतलब ये कि जवान मूवी शाहरुख खान के पठान मूवी से भी ज्यादा बड़ी हिट हो सकती है। और देखा जाए दोस्तों तो ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शाहरुख खान के पठान मूवी ने शाहरुख खान का क्रेज एक बार फिर से ऑडियंस में भर दिया है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा शाहरुख खान के आने वाली मूवी जवान को होने वाली है। इसका जो दूसरा बहुत बड़ा कारण है वो है इस मूवी की पूरी टीम, क्योंकि पठान मूवी हिंदी ऑडियंस के लिए बनाई गई थी, इसीलिए इसने हिंदी बॉक्स ऑफिस में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन पठान मूवी साउथ में कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है। लेकिन जवान मूवी में एक शाहरुख खान को छोड़कर बाकी की पूरी टीम लगभग साउथ इंडियन है। जवान मूवी में हमें शाहरुख खान के साथ साउथ के दो बहुत बड़े कलाकार नयनतारा और विजय सेतुपति नजर आने वाले हैं। साथ ही इस मूवी का म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध है, जिसका म्यूजिक इतना कमाल का होता है कि सिर्फ म्यूजिक से ही मूवी 20% का बिजनेस निकाल लेती है। और इनके बाद भी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एटली कुमार, जो पूरे साउथ में जाने जाते हैं मास मूवी के लिए। जवान एक पैन इंडिया मूवी है जो हिंदी के साथ साथ दूसरे लैंग्वेज में भी रिलीज होगी, क्योंकि इस मूवी में साउथ के भी बहुत बड़े कलाकार है, इसलिए ये मूवी साउथ में भी बहुत ज्यादा चलने वाली है। और वर्ल्ड वाइड में शाहरुख खान का इतना ज्यादा क्रेज है कि ओवरसीज से भी ये मूवी बहुत ही अच्छा बिजनेस करेगी। पठान मूवी सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस और ओवरसीज में बिजनेस कर पाई है, जबकि वो इंडिया के साउथ मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। लेकिन जवान हिंदी बॉक्स ऑफिस, ओवरसीज और साउथ, इन तीनों जगह पर बहुत ज्यादा बिजनेस करने वाली है। और इस तरीके से सोचा जाए तो जवान पठान के रिकॉर्ड को इजिली बीट करने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या शाहरुख खान की आने वाली मूवी जवान पठान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय।